दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक बीमारी होती कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया CAH, ये क्या होती है। तो सोसाइटी में करीब 4000 बच्चों में से एक बच्चे को ये बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर पेट के अंदर ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड। आप दिखा दो फोटो, हमारे पेट के अंदर आप देखोगे एक ग्लैंड होता है, ये ऊपर देख रहे हैं, ये लाल लाल किडनी के ऊपर येलो कलर की है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हमारी बॉडी में स्टेरॉयड हार्मोन बनता है। स्टेरॉयड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, सोडियम पोटेशियम मेंटेन करता है और ग्लूकोज होमियोस्टेसिस भी मेंटेन करता है। तो इस बीमारी में होता क्या है कि आप सब जान लो कि जो स्टेरॉयड कॉर्टिसोल जो बनता है ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल से जब स्टेरॉयड बनता है उसमें कई स्टेप आते हैं। तो एक स्टेप आता है जिसमें 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होता है, वो या तो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन तरफ चला जाता है या इसी 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन से एक साइड चेन फीमेल हार्मोन बनाने के लिए चला जाता है और मेल हार्मोन बनाने के लिए चला जाता है। तो इस स्टेप में क्या होता है कि आपको जानकारी पहले बता दूं आपको कि जब औरतों के अंदर फीमेल हार्मोन बनता है तो उस पूरे स्टेप में पहले 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन से पहले मेल हार्मोन बनता है एंडोस्ट्रैडियोल, वो जाके फिर ब्रेक होकर के फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया में 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन से कॉर्टिसोल बनाने के अंदर स्टेप में ब्लॉकेज आ जाता है, मतलब जो एंजाइम होती है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को ब्रेक कर करके कॉर्टिसोल बनाता है उसमें कमी आ जाती है, उस एंजाइम में कमी आती है। अगर कमी 100% होगी तो कॉर्टिसोल बनने की वर्चुअली बॉडी कॉर्टिसोल बनेगा नहीं। तो जब बच्चा पैदा होगा उसके अंदर सीवियर कॉर्टिसोल डिफिशेंसी होगी, उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम होगा, उसका सोडियम पोटेशियम डिरेंज होगा और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो विद इन फ्यू डेज बच्चा वो डेथ कर जाता है। अगर कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी 100% से कम होगी, पार्शियल डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा कि कॉर्टिसोल थोड़ा बनता रहेगा बट जो बोला साइड चेन एक 70 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन मेल हार्मोन से फीमेल हार्मोन डाइवर्ट होता है, तो चूंकि कॉर्टिसोल पूरा बन नहीं पा रहा तो 70 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन ये डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड मेल हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा। तो चूंकि डाइवर्ट टुवर्ड 70 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन टुवर्ड मेल हार्मोन प्रोडक्शन फीमेल हार्मोन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो इस बीमारी में क्या होगा कि मेल हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इस कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया में कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी होती है और मेल हार्मोन का एक्सेस हो जाता है बिकॉज 70 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इज डाइवर्टेड मेनली टुवर्ड फर्स्ट मेल हार्मोन प्रोडक्शन देन ब्रोकन डाउन टू फीमेल हार्मोन। तो कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया में एंजाइम एक होता है 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, उसकी कमी की वजह से बॉडी के अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। कौन कौन मेल हार्मोन? 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एंड DHEAS। फिर ये हार्मोन कन्वर्ट होता है फीमेल हार्मोन में और कुछ मेल हार्मोन ज़्यादा बनता है, टेस्टोस्टेरोन फ्री टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा बनता है। अब ये जो गर्ल्स के जब मेल हार्मोन ज़्यादा बनता है, मान लो गर्ल चाइल्ड होगा तो उसको साल दो साल तीन साल की उम्र से ही नीचे पीवी खर आने लगेगा, साइड बाल आने लगेगा और उनके जो क्लिटोरिस होता है गर्ल्स के अंदर होता है, आप जेनेटिलिया के अंदर होता है क्लिटोरिस, अब दिखाता हूँ ये होता है बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे होते हैं, ये देखिए ये गर्ल के जेनेटिलिया है, देख रहे हैं ये, इसमें क्लिटोरिस बढ़ गया है, इसमें देखिए ये क्लिटोरिस बढ़ जाता है, ये देखिए ये लड़की गर्ल है, नॉर्मली ये बहुत छोटा होता है, ये बढ़ जाता है, इसे क्लिटोरिस बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ जाता है इनके अंदर। और अगर ये बॉय होगा, मान लो अगर चाइल्ड बॉय होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर चाइल्ड बॉय हुआ
तो ये देखिए छोटा बच्चा है, 3 साल बच्चा है, आप देख रहे हैं, देख रहे हैं? हाँ, इसका देखिए पेनिस बढ़ गया है और साइड बाल आने लगे. तो इस मेल हार्मोन की वजह से गर्ल्स के अंदर क्लिटोरिस बढ़ जाता है और बॉय के अंदर टेस्टिस तो छोटे रहेंगे बट पेनिस साइज बढ़ जाएगा, साइड बाल आ जाएंगे. इसे बोलते हैं अर्ली प्यूबर्टी हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज मेल हार्मोन. जब ये अगर गर्ल होगी तो जब ये गर्ल 12 साल 13 साल होगी तो एक्सेस मेल हार्मोन ड्यू टू एड्रेनल की वजह से जो बॉडी बने हुए हैं वो फीमेल हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होने देते हैं, जिससे क्या होता है उनका नॉर्मल प्यूबर्टी यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता है. इस मेल हार्मोन के उसके चेहरे बाल आने लगते हैं, साइड बाल आते हैं और नॉर्मल फीमेल फीचर यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो पाता क्योंकि उनकी प्यूबर्टी नॉर्मल स्टार्ट नहीं होती है. नॉर्मल गर्ल्स के अंदर जब गर्ल्स 10-11 साल होती हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड से LHF से सीक्रेट होता है जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, ओवरी इलाज करता है, यूटरस इलाज करता है. तो हाई मेल हार्मोन होने की वजह से LHF से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता, उनका नॉर्मल प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होती है, उनका यूटरस छोटा रह जाता है, उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता, उनका पीरियड स्टार्ट नहीं होते. इस बीमारी को कन्फर्म करने के लिए हम लोग जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बहुत हाई होता है और उसको हम जब चेक करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में भी उनका 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन मोर देन 10 होता है. और ये तो हो गया कि सीवियर 21 हाइड्रोक्सी डेफिशिएंसी. फिर तो पार्शियल डेफिशिएंसी होता है, उसे बोलते हैं नॉन क्लासिक CAH. उसे क्या होता है कि इस एंजाइम की जो डेफिशिएंसी होती है 30-40% डेफिशिएंसी होती है. तो इनके अंदर क्या होता है कि कॉर्टिसोल बनता रहता है, इसे BP सब नॉर्मल होता है बट 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एंड अदर मेल हार्मोन DHEAS एंड्रोस्टेरोन ये हाई होते हैं पर उतना हाई नहीं होता कि बचपन में उतना हाई नहीं होते हैं, जिससे इन बच्चे के अंदर बचपन सब नॉर्मल रहते हैं. जब बच्चे 8-10 साल 11 साल होते हैं तो उनके चेहरे बाल आने लगता है, पिंपल ज़्यादा आता है, पीरियड लेट होते हैं इनके, थोड़ा आवाज़ भारी हो जाती है, सिर के बाल ये गिरने लगते हैं. ये सब मेल हार्मोन फीचर गर्ल्स के अंदर आते हैं. इसे बोलते हैं नॉन क्लासिक कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया. तो अब सवाल है ट्रीटमेंट क्या करें. तो जिन बच्चों का प्रॉब्लम बचपन से ये मान लो गर्ल चाइल्ड है उसको टेस्टिस क्लाइटोस इलाज हो गया, साइड बाल नीचे बाल आ गए हैं या बॉय के नीचे बाल आ गए पेनिस इलाज हो रहा, तो इस बीमारी का इलाज होता है स्टेरॉयड सप्लीमेंट फ्रॉम आउटसाइड. मैंने हमने जैसे बोला कि इस बीमारी क्या होता है कि एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बन नहीं पाता, स्टेरॉयड बन नहीं पाता है, तो इन लोग स्टेरॉयड बाहर देना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, स्पेशली जो प्रॉब्लम बचपन स्टार्ट है जिसकी डेफिशिएंसी सीवियर है. तो इसमें क्या होता है कि गोली आती है हाइड्रोकॉर्टिसोन आती गोली हाइसोन नाम से 10 mg से लेकर 20 mg पर डे देते हैं या वाइसोलॉन ओमनाकॉर्टिल प्रेडिसोलोन 5 mg से लेकर 7.5 mg पर डे देते हैं या गोली आती डेकाड्रॉन डेक्सामेथासोन डेक्सोना 0.25 से लेकर 0.5 mg पर डे देते हैं हम लोग बेड टाइम पर. इसको देते हैं ओमनाकॉर्टिल एक सुबह देते हैं आधी दोपहर देते हैं और हाइसोन गोली देते हैं दिन में 3 बार डिवाइड कर देते हैं हम लोग. जैसे स्टेरॉयड बाहर देते हो तो बॉडी स्टेरॉयड कमी पूरी जाती है, जिससे क्या होता है कि उस गर्ल चाइल्ड के अंदर कॉर्टिसोल कमी पूरी होने से 17OH और DHEAS का बनना कम हो जाता है. एक चीज़ और बता दूँ कि जब बच्चों में जब कॉर्टिसोल कम होता है तो ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड निकलता है हार्मोन एक ACTH खूब ज़्यादा मात्रा में निकलता है. तो ACTH उनका स्किन काला करता है, बॉडी काला करता है और पिगमेंटेशन करता है. जब आप बाहर से स्टेरॉयड देते हो तो उनका फिर ये पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होने लगता है. जब गर्ल थोड़ा बड़ी होती है तो कितने गर्ल शिकायत करती है उनका ब्रेस्ट साइज प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे में कितने हम लोग स्टेरॉयड साथ साथ उनको ईस्ट्रोजन देते हैं, इससे ब्रेस्ट साइज नॉर्मल डेवलप कर जाए और उसे यूट्रस भी डेवलप प्रॉपर कर जाता है. जब एक बार आप बाहर से स्टेरॉयड दे देते हो तो इंटरनल मेल हार्मोन एक्सेस नॉर्मल हो जाता है और अधिकांश गर्ल्स के अंदर जब गर्ल्स 10-11 साल होती हैं तो अपने आप प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, उनका ओवरी इलाज करता है उनका एस्ट्रोजन बनने लगता है, उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है.
और कभी कभी बाहर से उनको हम लोग ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देना पड़ता है. हाउ टू मॉनिटर दिस गर्ल्स, इन गर्ल्स को हर 3 महीने 6 महीने में 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करते हैं हम लोग. हमारा एम होता है कि इसको नॉर्मल लाया जाए, बट अगर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन अगर बिलो, अगर सीवियर वेराइटी में जिसको बचपन से प्रॉब्लम है और बिलो 20 रहे और कुछ सिम्टम ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है. ऐसी गर्ल्स जब मैरिज करती हैं, इनको सेक्सुअल लाइफ मैरिड लाइफ कोई दिक्कत नहीं आती है, चूँकि उनको ओवरी नॉर्मल होता है तो उनको बच्चा होने में कोई दिक्कत नहीं आती है. ये भी अगर आप दवा बाहर स्टार्ट देते रहेंगे तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती, बच्चा भी नॉर्मल होता है. तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिलेगा कि आपको ये कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया सीवियर वेराइटी क्या होती है, कैसे उसको मैनेज करना है. इन लोग लाइफ लॉन्ग स्टेरॉयड देनी पड़ती है. और एक जान लो, जब भी मैंने बोला कि इनके तो कॉर्टिसोल बनाने की कैपेसिटी कम है, तो जो लोग लाइफ लॉन्ग स्टेरॉयड खा रहे हैं को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई बुखार हो, डायरिया हो, दस्त उल्टी हो तो स्टेरॉयड डोज बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि स्टेरॉयड डोज इमरजेंसी के लिए बढ़ानी पड़ती है. ऐसे उनको डोज डबल करनी पड़ती है. तो जब भी आपको बुखार हो, डायरिया, दस्त हो तो 3-4 दिन के डोज डबल कर लें, और जब बुखार दस्त ठीक हो जाए तो आप पुराने डोज पर वापस आ जाएँ. और हर 6 महीने में 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन मॉनिटर करते रहें, सोडियम पोटेशियम मॉनिटर करते हैं, और बीच में अगर पैसे हैं तो एसीटी टेस्ट भी किया जाता है. एसीटी को नॉर्मल आने की कोशिश करते हैं हम लोग. तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे ठीक किया जा सकता है. धन्यवाद.